कानपुर में प्रेमपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिला है। मालगाड़ी के आगे छोटा सिलेंडर मिला, रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा हुआ मिला। कानपुर में रेल डिरेल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से ये कोशिश नाकामयाब हुई है। लोको पायलट ने सिलेंडर देख करके इमरजेंसी ब्रेक लगा लिया। तो ये बड़ी खबर, जहां रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला है, ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश। हालांकि 5 किलो वाला ये सिलेंडर खाली सिलेंडर था, और इसके पहले भी 8 सितंबर की अगर हम बात करें तो रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिला था, और उस दौरान पेट्रोल बम बारूद भी मिले थे, माचिस की तीलियां भी मिली थी। और आज एक बार फिर से ये बड़े साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी, और अब ऐसे में तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पिछली जाँच NIA की टीम और CBI समेत जो तमाम स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो कर रही है, लेकिन इन सब के बीच अब कानपुर के प्रेमपुर में एक बार फिर से ट्रेन को डिरेल करने की बड़ी साजिश। मालगाड़ी के आगे छोटा सिलेंडर मिला है, ये तस्वीरें भी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं, जांच की जा रही है। सुबह लगभग 5:30 बजे का वक्त, जब लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से ट्रेन डिरेल होने से बच गई, बड़ा हादसा होने से टला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा होने से टला है। लोको पायलट ने सिलेंडर देख करके ब्रेक लगाया है। कानपुर के प्रेमनगर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह सुबह की ये तस्वीरें, मालगाड़ी लेकर के जा रहे थे लोको पायलट, और इसी वक्त उनकी नज़र इस छोटे सिलेंडर पर पड़ी। तभी बिल्कुल सिलेंडर के करीब मालगाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक लगा करके रोका गया। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर पहले विंडो में कानपुर में ट्रैक पर छेड़छाड़, और दूसरी तस्वीर सूरत की है, जहां पर फिश प्लेट रखी गई है। सूरत में भी ट्रैक पर इस तरह से छेड़छाड़ की गई है। तो आए दिन अब रेलवे में सुरक्षाओं को लेकर के तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जो रेलवे यात्री हैं वो अब कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं ऐसे में, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता कि कब किस वक्त ये बड़ा हादसा हो जाए। हालांकि बड़ा हादसा होने से टला जरूर है, लेकिन लगातार जो कोशिशें हैं, आतंकी साजिश कहीं ना कहीं इसे बताई जा रही है। अब एक बार कानपुर में ये देखिए तस्वीर, पहले विंटो में आपको दिखा रही है, छोटा गैस सिलेंडर मिला है, बिल्कुल करीब पहुंच करके लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से ये ट्रेन रुकी। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए सूरत की है, गुजरात के सूरत में भी ट्रैक पे छेड़छाड़ की गई, फिश प्लेट मिली है, बड़ा हादसा होते होते टला है नजर पड़ जाने की वजह से। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल रेलवे में तमाम सुरक्षाओं को लेकर के खड़ा होता है, क्योंकि जब भी केंद्र की तरफ से बजट पास किया जाता है तो रेलवे को बड़ा बजट दिया जाता है तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए। और अब ये चार तस्वीरें आपको चार विंडो के जरिए, पहली तस्वीर रामपुर में जहां पर रेलवे ट्रैक पर छेड़छाड़, दूसरी तस्वीर कानपुर की देखिए, वहीं तीसरी तस्वीर अलीगढ़ की है जहां पर इस रेलवे ट्रैक पर छेड़छाड़, और चौथी तस्वीर अजमेर की है देखिए, जहां पर सीमेंट प्लेट रखी गई। तो अब ऐसे में अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, लगातार बड़ी साजिश को अंजाम देने की जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं। हालांकि बड़ा हादसा होने से टला जरूर है, लेकिन तमाम तरह के सवालों के जद में अब रेलवे विभाग आ चुका है, क्योंकि सुरक्षा है, रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के तमाम तरह के सवाल या निशान। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, अब देखिए जिस तरह से एक बार फिर से बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी, हालांकि ये बड़ी सूझबूझ कहीं ना कहीं मानी जाए, लोको पायलट के बिल्कुल करीब ट्रेन पहुंच करके ये बड़ा हादसा होने से टला है, उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा ली, इस वक्त किस तरह की क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से अब जांच भी चल रही होगी अमित? देखिए ये रेल हादसा करने की साजिश जो की जा रही है, ये साजिश नाकाम साबित हुई है। इससे पहले भी कानपुर में इस तरीके की साजिश की गई थी, जहां सिलेंडर मिला था और बारूद भी मिला था, लेकिन अब ये साजिश नाकाम हुई है और महाराजपुर के इलाके में ये चीजें मिली हुई हैं। और महाराजपुर के इलाके में मिलने के बाद अब रेलवे प्रशासन हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कानपुर में ये तीसरी घटना है, इससे पहले एक बार ड्रेल करने की कोशिश की गई थी, तब ड्रेल हो गई थी, लेकिन जब दूसरी बार ड्रेल करने की कोशिश की गई तो नाकाम साबित हुई थी और डिरेल नहीं हो पाया था, हादसा नहीं हो पाया था। लेकिन अब ये तीसरी बार ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर मिला है, हालांकि वो गैस सिलेंडर खाली था, अब वो क्यों रखा गया था, खाली सिलेंडर रखने की क्या, ये भी पता लगाया जा रहा है। मौके पर तमाम जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं, लेकिन
जब दूसरी बार ट्रेन हादसा हुआ था तो ये माना गया था कि एनआईए लगी हुई है, एसटीएफ लगी हुई है, एटीएस लगी हुई है, यानी इतनी एजेंसियां लगी होने के बावजूद तीसरी बार फिर कानपुर में रेलवे को निशाना बनाया गया और ट्रैक पर सिलेंडर रखकर हादसे करने की साजिश की गई है। लेकिन इतनी एजेंसियां लगने के बाद भी अगर जो ये साजिश करता है ये नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी आतंकी साजिश की आशंका तो जताई जा रही है, क्योंकि इस तरीके से जैसे सरकार की तमाम एजेंसियां अपने काम पर लगी हुई है लेकिन फिर भी ये साजिश करता या यूं कहूं ये आरजक तत्व जिस तरीके से रेलवे को निशाना बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने मन में मजबूती बना चुके हैं और रेलवे को लगातार निशाना बना रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से सवालों के जद में है अमित, सवालों के जद में रेलवे विभाग, इसके साथ ही तमाम जो जांच एजेंसियां, क्योंकि कुछ ही दिन पहले का पूरा मामला था जिसे लेकर के एनआईए की टीम पहुंची थी, जांच चल रही है उसे लेकर के, और एक बार फिर से बड़ा हादसा। जब हम देखते हैं जब केंद्र अपना बजट पास करती है, जब बजट पेश किया जाता है तो रेलवे को सबसे बड़ा बजट दिया जाता है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्थाएं सवालों के जद में है, रेलवे यात्रियों में भी परेशानियां। देखिए रेलवे का जो बजट आता है सुरक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी होनी चाहिए, लेकिन रेलवे के पास या कह लो कहीं भी फोर्स की काफी कमी है। फोर्स की कमी के कारण पूरी ट्रेन पर सिर्फ दो ही सिपाही भेजे जाते हैं और उसके उन दो सिपाहियों के भरोसे पूरी ट्रेन होती है। ट्रैक का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि ट्रैक हजारों किलोमीटर लंबा ट्रैक होता है और जंगलों से होकर गुजरता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये लगता है कि ये ट्रैक जो है टैली नहीं कर सकते हैं, ट्रैक को देखा नहीं जा सकता है, तो जहां जहां क्रॉसिंग होती है वहां वहां तो ट्रैक को देख लेते हैं, लेकिन जो क्रॉसिंग से आगे जंगलों की तरफ पटरियां बिछी होती हैं वहां पर सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण ये जो साजिश करता है या ये कह लो ये आतंकी साजिश करता है ये उन जगहों को निशाना बनाते हैं जहां पर अमूमन गाड़ियां ना पहुंच सके, जहां पर लोगों को पहुंचने में प्रॉब्लम हो, ऐसी जगह को निशाना बनाया जाता है और रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा जाता है। जी आगे भी इस पर नजर बनाए रखिएगा अमित, और तमाम जो जांच चल रही है उनके भी अपडेट्स लीजिएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।